हे एवरीवन, आई एम आशना परवीन, करंटली आई एमबीबीएस स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? तो अभी जो है नीट 2023 के जो स्टूडेंट्स हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स का नहीं हुआ है सिलेक्शन जिनका, तो वो लोग जो है अब अपने प्रिपरेशन में लग गए होंगे आगे वापस से। मैं एक बात बोल देना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि नीट तक ही आप लोग का सफर है, हो सकता है कि कुछ और चीजें आप लोग के उसमें लिखी हुई, लेकिन अगर आप लोग को यही करना है तो बिल्कुल मेहनत से लग जाइए। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसका फल आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। एंड जो जिनका सिलेक्शन हो गया नीट 2023 में, उसको सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस में देना चाहूंगी सबको। दो साल पहले मेरे भी यही कुछ कंडीशन थी कि मेरा जो था नीट में सिलेक्शन, मुझे पता चल गया था कि 637 मार्क्स आ गए तो ऑब्वियसली मेरा सिलेक्शन हो गया है। अब आगे का प्रोसीजर आ जाता है कि हम कॉलेजेस ढूंढने में, तो जो अभी टाइम पीरियड आपको मिल रहा है रिजल्ट तक का, उसमें जो है आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके कॉलेजेस, क्योंकि नंबर का अंदाजा आपको लग ही जाता है। एंड इस बार जो आपका रैंक्स आएगी वो ऑब्वियस और ज्यादा हाई आएगी, कट ऑफ और ज्यादा बढ़ने वाला है, एक बात बता देना चाहती हूँ, क्योंकि पेपर जो था अकॉर्डिंग टू मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो था इजी था। अच्छा, कॉलेज सेलेक्ट करने में कुछ पॉइंट्स का जो है आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज कि आप लोग उसका देखिएगा ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट क्या है, अगर मेडिकल कॉलेज को देख रहे हैं तो, कि वो और वहाँ की लैब फैसिलिटीज कैसी हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स ही सबसे ज्यादा करने हैं। फिर थर्ड नंबर आ जाता है हॉस्पिटल, उसका पेशेंट इनफ्लो कैसा है उस सिटी का। ऐसा ना हो कि बस 100 पेशेंट्स आ रहे हैं डेली, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेशेंट इनफ्लो आपका अच्छा होना चाहिए क्योंकि क्लिनिकल्स में आप जाते हैं। फिर आपका जाता है कि सिटी कैसी है, सिटी बहुत मैटर करती है क्योंकि आप जा रहे हैं जहां पर, तो वहां पर सर्वाइवल भी वहां का बहुत जरूरी है आपको, तो सिटी को जरूर देखिएगा। देन उसके बाद आ जाता है हॉस्टल फैसिलिटीज, हॉस्टल फैसिलिटीज कैसी है वहां की, क्योंकि रहना तो आपको हॉस्टल में ही है जाके। तो आज का वीडियो जो है मैं बनाने वाली हूँ टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में खुद अभी पढ़ रही हूँ, तो इस वजह से महाराष्ट्र से मैं स्टार्ट करती हूँ, तो महाराष्ट्र के कॉलेजेस के बारे में आपको बताती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं चलिए वीडियो को। एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही आगे काउंसलिंग के रिलेटेड और भी मैं वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो फर्स्ट नंबर पे कॉलेज आ जाता है जो कि सब कोई शायद जानता होगा, दैट इज सेट जीएस मेडिकल कॉलेज, जिसे KEM हॉस्पिटल से भी जाना जाता है लोकली। एंड ये जो है 1925 में एस्टेब्लिश हुआ था, 200 MBBS सीट्स हैं इसमें, इंडिया के जो टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें ये आता है, तो इस वजह से। एंड इसका कट ऑफ जो है ऑल इंडिया कोटा में तो बहुत ही हाई जाता है। अगर मैं इसके स्टेट कोटा के कट ऑफ के बारे में बताऊं तो इसका मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बताऊंगी, क्योंकि अगर सब कैटेगरीज का बताया तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ इसका था 654 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 3801। सेकंड नंबर पे आ जाता है जीएमसी मुंबई, जो कि JJ हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। इसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट 1845 का कॉलेज है, ये बहुत ही पुराना कॉलेज है, इस वजह से बहुत ही अच्छा कॉलेज इसे माना जाता है, क्योंकि सब कुछ एस्टेब्लिश्ड है इसमें बिल्कुल। इस यहाँ पर जो है आपके 250 MBBS सीट्स हैं। इसका स्टेट कोटा का कट ऑफ जो है वो 626 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 10,696 है। थर्ड नंबर पे आ जाता है BGMC पुणे। पुणे जो है BGMC पुणे बहुत ही फेमस कॉलेज है, मतलब और अच्छा भी माना जाता है। सबसे मेन उसको एकेडमिक्स के लिए माना जाता है कि एकेडमिक्स वहाँ की काफी अच्छी हैं। ये कॉलेज जो है आपका 1946 में एस्टेब्लिश हुआ था, 250 MBBS सीट्स हैं एंड यहाँ की हॉस्टल फैसिलिटीज काफी अच्छी हैं, तो इस वजह से आप इसे प्रीफर कर सकते हैं अगर आपके रैंक में ये मिल रहा है। इसका स्टेट कोटा कट ऑफ अगर बताऊं तो 631 मार्क्स था, ऑल इंडिया रैंक 8826। फोर्थ पे आ जाता है आपका लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज, जिसे आपको सायन हॉस्पिटल से भी जाना जाता है। ये भी काफी अच्छा कॉलेज है मुंबई का, क्योंकि ये क्या धरावी के पास में है, तो यहाँ का पेशेंट इनफ्लो तक काफी अच्छा है, तो इस कॉलेज को इसलिए ज्यादा प्रीफर किया जाता है क्योंकि यहाँ का पेशेंट इनफ्लो काफी अच्छा है। एक डिसएडवांटेज इस कॉलेज का ये है कि इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, तो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें काफी दिक्कत आती है। ये 1964 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड 200 MBBS सीट्स इसमें अवेलेबल है। इसका स्टेट कोटा कट ऑफ जो है वो है 625 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 10,643। फिफ्थ नंबर पे आ जाता है TNMC मुंबई, जिसे नायर हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है। ये कॉलेज भी काफी अच्छा है। इस कॉलेज को LTMMC के ऊपर इसलिए प्रीफर किया जाता है क्योंकि इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी हैं, तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट जो होते हैं जो बाहर से आ रहे हैं LTMMC में आपको बाहर रहना पड़ेगा। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1921 में एंड इसमें जो है 150 MBBS सीट्स अवेलेबल है। इसका स्टेट कोटा का कट ऑफ है 621 मार्क्स, 12,525 ऑल इंडिया रैंक। सिक्स नंबर पे आ जाता है HBTMC मुंबई, जिसे RN कूपर हॉस्पिटल के नाम से भी जाना जाता है।
ये जो कॉलेज है 2015 में एस्टेब्लिश हुआ, 200 मेडिकल सीट्स इसमें अवेलेबल है। इसका जो हॉस्पिटल है वो तो काफी पुराना हॉस्पिटल है, एंड इसे प्रेफरेंस इसलिए ज्यादा मिलता है नागपुर से क्योंकि ये जो है मुंबई सिटी में लोकेटेड है, तो इस वजह से ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसका भी डिसएडवांटेज यही है कि इसमें जो है हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इसका स्टेट कोटा का कट ऑफ है 614 मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 15,131। इसके बाद 7 नंबर पे आ जाता है जीएमसी नागपुर। जीएमसी नागपुर का जो कैंपस है वो तो आपने सुना ही होगा कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट कैंपस है। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1947 में एंड इसमें 250 एमबीबीएस सीट्स अवेलेबल है। यहाँ के हॉस्टल्स है, और मैं बताऊँ तो हॉस्टल्स अवेलेबल है सारे ईयर्स के लिए, लेकिन हॉस्टल फैसिलिटीज उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, मतलब रूम्स इतने ज्यादा रेनोवेटेड नहीं है यहाँ के। इसका स्टेट कोटा का कट ऑफ है 610 मार्क्स, 16,718 ऑल इंडिया रैंक। इसके बाद 8th नंबर पे आ जाता है आईजीएमसी नागपुर, जो कि मेरा कॉलेज है जिसमें मैं अभी स्टडी कर रही हूँ। ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1925 में, बहुत ही ओल्ड कॉलेज है एंड 200 एमबीबीएस सीट्स इसमें अवेलेबल है। ये जो है नागपुर स्टेशन से बिल्कुल पास में ही है। स्टेट कोटा कट ऑफ है 596 मार्क्स एंड ऑल इंडिया रैंक 22,311। इसके बाद आ जाता है आपका 9th नंबर पे जीएमसी औरंगाबाद। जीएमसी औरंगाबाद काफी अच्छा है, मतलब आईजीएमसी से ज्यादा अच्छा मैं बेटर बोलूंगी पढ़ाई के मामले में इन सब चीजों के, लेकिन औरंगाबाद को ज्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं जो वहाँ के लोकल हैं, तो ऑब्वियस वो लोग तो वहाँ को प्रेफर करते हैं, लेकिन जो अगर बाहर से जा रहा है तो उसके लिए नागपुर ज्यादा बेटर है क्योंकि वहां पर नागपुर में आप रहने का ज्यादा अच्छा है, सिटी अच्छी है। औरंगाबाद उतने ज्यादा डेवलप नहीं है जितना नागपुर डेवलप्ड है। औरंगाबाद का कॉलेज जो है 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था, 200 एमबीबीएस सीट्स हैं उसमें एंड इसका स्टेट कोटा कट ऑफ जो है 605 मार्क्स एंड 18,516 ऑल इंडिया रैंक। 10th नंबर पे रखना चाहूंगी आरजीएमसी थाने को। थाने का कॉलेज जो है मुंबई में है, बट वहाँ की जो पढ़ाई है उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कांटेक्ट में हैं थाने के भी जिनसे पता चला कि वहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं है, बस लोग उसे प्रीफर इसलिए करते हैं क्योंकि वो मुंबई में है, तो मुंबई के सिटी के वजह से जो है थाने को ज्यादा प्रीफर किया जाता है। थाने का कॉलेज जो है 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था, जहाँ पे 100 सीट्स हैं एंड जो इसका कट ऑफ है वो 608 मार्क्स है, ऑल इंडिया रैंक 17,698। तो ये कुछ कॉलेजेस जो थे महाराष्ट्र के टॉप 10 कॉलेजेस जो थे उनके बारे में। ये जो रैंकिंग मैंने की है ये मैंने अपने हिसाब से की है अकॉर्डिंग टू एकेडमिक्स, इन सब चीजों के अकॉर्डिंग किया है अकॉर्डिंग टू सिटी, लेकिन आपको अगर अपने घर के पास में कोई इसमें से अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप अपने घर के पास भी इसे ले सकते हैं। एंड एक कट ऑफ मैंने बता दिया पिछले साल का, तो उससे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि कितने उस पे आपको मिल सकता है कॉलेज। एंड अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं अगर रिलेटेड टू काउंसलिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।